हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे क्वांटम कैट सर्वेश कुमार वर्मा का मेंसुरेशन लेवल 2 पार्ट 4 करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए देखते हैं। उससे पहले आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, ए पीस ऑफ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच रेशियो ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर इज 3:4 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम, देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बिगेस्ट कोन डैट कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग द राइट एंगल वर्टेक्स ऑफ द पेपर एज द वर्टेक्स ऑफ द कोन। देखिए, इस क्वेश्चन को करने में बहुत अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी होंगे, वो 1.5 से 2 मिनट ले लेंगे करने में। मगर आप अगर अच्छे श्रेणी के स्टूडेंट हैं, स्मार्ट स्टडी वाले हैं, तो आप इस क्वेश्चन को करने में कितना सेकेंड लोगे, 15 सेकेंड। अब देखिए 15 सेकेंड में कैसे होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें वॉल्यूम हो कोन का पाई से मल्टीप्लाई हो, मतलब 1/3 πr² h, सिलेंडर का होता है πr² h, तो जिसमें भी पाई से मल्टीप्लाई हो उसको पहले 11 और 22 से डिविजिबल करके देख लो, 11 और 22 से, या तो 11 से कर लो या 22 से कर लो, कोई ना कोई से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले 48 11 से डिविजिबल है। देखिए कैसे हुआ, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 1/3 πr² h, यही तो आपको निकालना है वॉल्यूम। ये पाई जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 × 1/3। ऐसा क्यों होता है ये भी हम बता देते हैं, r² h का कुछ भी वैल्यू हो मगर वो तो 22 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 11 का उसमें डिविजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, 99.99 केस में ये होता है, 1% केस में कभी कभी ऐसा होता है कि पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट पाई के फॉर्म में ही आंसर दे देते हैं। तो देखिए हम लोग पहले 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही आंसर आ गया, अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 100% होगा कि नहीं, 11 × 22 और कुछ भी मल्टीप्लीकेशन हो, तो उसी तरह आप क्या करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को 11 से डिवाइड करो, आंसर को डिवाइड किए, 48 11 से डिवाइड नहीं होगा, 61.5 11/55 और ये 65 ये भी नहीं होगा, 45.8 11/44 और 1 ये भी नहीं होगा, 18 नहीं है। अब ये 56.1 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11/55 और ये हो गया 5.1, मतलब कि ये डिविजिबल है 11 से, तो आंसर क्या हो गया, बी। हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, हम बस केवल देखें कि वॉल्यूम निकालना है लार्ज बिगेस्ट कोन का, 11 से डिविजिबल है आंसर, 12/22 से डिविजिबल है आंसर। तो इस चीज़ को आप, हम पहले भी बता चुके हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कीजिए, नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप डिटेल में करना चाहो तो आप कर सकते हो कि डिटेल में कर लो, यहाँ पर क्या हो गया, ये 3x दिया हुआ है, ये 4x रेशियो दिया हुua है, ये 20 दिया हुआ है, तो आपको 3x 4x है तो ये क्या होगा 5x, और 5x बराबर कितना दिया हुआ है 20, तो x बराबर क्या हो गया 4, तो यहाँ से हो जाएगा 12, ये हो गया 16, और हाइपोटेन्यूज 20 दिया हुआ है। इसको फिर कोन के फॉर्म में चेंज कीजिए और वहाँ से वैल्यू रेडियस और हाइट का वैल्यू निकालिए, और हाइट का वैल्यू निकाल के रेडियस और हाइट में पुट कर दीजिए, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो उतना करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट 11 से डिविजिबल हो गया, आंसर हो गया वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ए पर्टिकुलर कंट्री द वैल्यू ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया ऑफ द डायमंड। 4 thieves स्टील ए क्यूबिकल डायमंड पीस एंड देन डिवाइड इक्वली इंटू 4 parts। ठीक है, एक डायमंड का पीस को चुराया जाता है, उसको 4 parts में इक्वली डिवाइड किया जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डायमंड आफ्टर इट्स कटिंग। आपको पता है कि हीरा, जब कहने का क्वेश्चन का मतलब पहले सुन लीजिए, कि क्वेश्चन का ये है कि जो वैल्यू है, जो उसका प्राइस है डायमंड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। चोर लोग आते हैं, हीरा को चुरा के ले जाते हैं, 4 equal parts में काटते हैं, तब मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा उसके, जब 4 parts में काट के अलग अलग लेंगे तो उस अलग अलग ले जाएंगे तो उसका मैक्सिमम परसेंटेज क्या इंक्रीज होगा उसके प्राइस में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमको। देखिए सबसे पहले तो यहां पर आपको डायमंड बनाना जरूरी है, क्यूब के फॉर्म में डायमंड। देखिए कोई भी चीज को थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्चुअली विजुलाइज करना आपको जरूरी है। ये क्यूब हो गया, ये टोटल क्यूब का आपको, देखिए इसको 4 parts में जब आप बांटोगे
दो, एक दो तीन, एक और पार्ट यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये ए है और ये भी क्या है, ए है। तो जो सबसे पहला क्यूब होगा उसका क्या सरफेस एरिया होगा, 6a² और बाकी जो क्यूब होंगे उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो होंगे इनका तो दो ही सरफेस विजिबल है ना, एक और दो, ये ठीक है, तो इनका सरफेस एरिया हो जाएगा 2a². आप क्या करो, और बाकी तीन का भी 2a² ही हो जाएगा क्योंकि जिसका दो फेस विजिबल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, टोटल सरफेस एरिया हो गया ये। तो टोटल सरफेस एरिया आपका कितना निकला, ये निकल गया 12a². आप क्या करो, एक क्यूब ले लो, उसको चार पार्ट में काटो और थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जब करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये ए है, ये भी ए है। तो आप जब क्यूब को काटोगे चार पार्ट इक्वल पार्ट में तो आपको पता चल जाएगा इस चीज का, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल सरफेस एरिया क्या होता है, एक्चुअल क्यूब का सरफेस एरिया आदि आपसे कोई पूछ दे, सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को क्या परसेंटेज निकालना है, तो कटिंग करने पर उसका 12a² हो जा रहा है सरफेस एरिया, और ओरिजिनल में होता यदि वो सिंगल पीस में रहता तो 6a² और डिवाइडेड बाई 6a² परसेंटेज निकालने, आपको पता ही होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6a² बाई 6a² इंटू 100%। तो ये हो गया 6a² कट गया, 6a² 6a², तो ये क्या बच गया, 100% उसका मैक्सिमम वैल्यू जो इंक्रीज होगा वो 100 गुना 100% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। सबसे पहले एक चीज़ देखिए जो हम आपको बताएंगे उसको ध्यान से देखना होगा क्योंकि आपका नज़र हटेगा और थोड़ा समय ही आपको समझ में नहीं आएगा, और आप एक बार अगर समझ गए तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, वर्ग के अंदर फिर मिड पॉइंट से एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर फिर मिड पॉइंट से एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर फिर एक मिड पॉइंट से वर्ग है। चलिए देखिए इसका पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे उसके बाद लॉन्ग मेथड देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक देखना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। तो देखिए ये स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर का देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका साइड जो है ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है। और हम लोग को पहला क्वेश्चन जो 30th नंबर है उसका पेरीमीटर खोजना है ये पांचों स्क्वायर का। तो ये पहला वाला स्क्वायर है, ये वाला वो बाहर वाला जो है ये स्क्वायर को हम लिए हैं और इसके जो अंदर स्क्वायर है इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात बताइए, जो पहला स्क्वायर है इसका साइड क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर का साइड हो गया ए। अब दूसरा स्क्वायर इसके अंदर हम ड्रॉ कर रहे हैं, मिड पॉइंट है, ठीक है, ये चारों मिड पॉइंट से ड्रॉ किए तभी स्क्वायर बनेगा। जो क्वेश्चन में मेंशन है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर 1, स्क्वायर 3 एंड सो ऑन, इस तरह करके है, ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका साइड ए सेंटीमीटर है, तो जो ये जो मिड पॉइंट से आपका स्क्वायर बना है इसका डायगोनल क्या होगा, ए होगा, इसका डायगोनल भी तो ए बी और डी सी के बराबर ही होगा, तो ये ए हो गया। तो अब यहाँ से इस ट्रायंगल को हम अलग से बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, इसका डायगोनल क्या दिया हुआ है, ए। तो आप इसका साइड जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई रूट टू, इसका साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर का, ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू। तो सेकेंड वाले स्क्वायर का साइड क्या आ गया, ए बाई रूट टू। बस अब इतना आपको पता है तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। देखिए कैसे, अब हम डिटेल में आपको बताएंगे तो जरूर, इस तरह चाहो तो आप फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो तो चलते रहेगा सिलसिला, वो तो सारा दुनिया करता है, हम लोग को क्या करना है वो देखिए कॉन्सेप्ट इसका। पहला ट्रायंगल का साइड क्या है, ए, दूसरा ट्रायंगल का साइड क्या है, ए बाई रूट टू। तो देखिए एक बात बताइए, ये जो पहला ट्रायंगल बोल रहे हैं, पहला स्क्वायर जो है इसका साइड क्या है, ए, दूसरा स्क्वायर है इसका साइड क्या निकाले हम लोग, ए बाई रूट टू, हम लोग इसका निकाले हैं साइड ए बाई रूट टू। अब देखिए इस स्क्वायर ए बाई रूट टू जिसका साइड है स्क्वायर का,
उसके अंदर भी मिड पॉइंट पर एक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए फिर से एक फोर्थ स्क्वायर है और फिफ्थ स्क्वायर भी इसके साथ। फिर देखिए इस स्क्वायर को आप देख रहे हो जो हम डार्क किए हैं उसको देखिए, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग देखिए निकालने का तरीका। देखिए फर्स्ट स्क्वायर का साइड ए आया है, सेकेंड स्क्वायर का साइड क्या आया है, इसका आया है साइड ए बाई रूट टू। तो हम लोग पहला स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, तीसरा स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पांचवा स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो पहला का अगर साइड ए है तो दूसरा का साइड क्या हो जाएगा, ए बाई टू, दो से डिवाइड कर देना है। पांचवा का साइड क्या हो जाएगा, फिर जो दो से डिवाइड कर दीजिए तो ए बाई फोर। अगर फिर कोई पूछे एक के बाद, देखिए एक के बाद यहाँ तीसरा है, ये तीसरा है, ये सेकेंड नहीं है, ये थर्ड स्क्वायर का साइड है। दूसरा का तो हम लोग ए बाई रूट टू निकाले ना, तो ये तीसरा वन थ्री और फाइव दिया हुआ है ना स्क्वायर, वन थ्री और फाइव इस तरह है सीधा में, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, सीधा बेस पर लगा रखा हुआ है। तो वन का अगर साइड ए है तो थर्ड का साइड ए बाई टू, फिफ्थ का साइड ए बाई फोर, और उसके बाद सेवेंथ का साइड ए बाई एट, नाइन्थ का साइड ए बाई टेन, इस तरह करके आप दो दो से डिवाइड करते चले जाओगे। चलो ये तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं। देखिए अब तो हम लोग पहले सीधे वाले ट्रायंगल का बात कर लिए, अब इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। इसका साइड हम लोग निकाल चुके हैं ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू, ये स्क्वायर का साइड क्या निकाले हैं, ए बाई रूट टू, ठीक है। अब देखिए इस स्क्वायर के अंदर भी सबसे पहले इसको हम डिलीट करें, ये तो आप समझ गए। देखिए आप सेकेंड वाले स्क्वायर को देखिए, सेकेंड वाला स्क्वायर जैसे है उसी तरह कौन सा स्क्वायर है, फोर्थ है, ठीक है। तो इसके अंदर एक फोर्थ स्क्वायर है जो वैसे ही है जैसे सेकेंड है, ये सेकेंड वाला स्क्वायर है और ये फोर्थ वाला स्क्वायर है। तो सेकेंड वाले स्क्वायर का ए बाई रूट टू है तो फोर्थ वाले स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दो से डिवाइड कर देंगे, ए बाई टू रूट टू। आप समझ गए बात को, समझिए यदि बड़ा वाला स्क्वायर आउटर वाला पहले एक बार फिर से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए पहला वाला स्क्वायर सीधा है, फिर इस फिगर में थर्ड स्क्वायर जो है ये भी सीधा है जो हम अभी पेंट हो रहा है वो देख लीजिए, फिर फिफ्थ स्क्वायर भी सीधा है। पहले वाले स्क्वायर का साइड ए दे रखा है तो तीसरे वाले स्क्वायर का साइड ए बाई टू होगा और पांचवें वाला स्क्वायर का साइड ए बाई फोर होगा। उसी तरह हम लोग सेकेंड स्क्वायर का साइड निकाले हैं ए बाई रूट टू, तो जो फोर्थ स्क्वायर है जो उसी टाइप के शेप में है इसका साइड हो जाएगा ए बाई टू से डिवाइड कर देंगे, ए बाई टू रूट टू। तो अब हमको सब कुछ का साइड पता चल गया, अब हमको पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, देखिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा, सबसे पहले हम साइड लिख लेते हैं। पहला का साइड हम लोग ए है तो अब आपको देखने का फिगर जरूरत नहीं है। तीसरा का साइड क्या हो जाएगा, ए बाई टू। पाँचवा का साइड क्या हो जाएगा, ए बाई फोर। और दूसरा का साइड हम लोग निकाले हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड आपको निकालना पड़ेगा। सेकेंड क्या हो गया, ए बाई रूट टू। तो यहाँ से फोर्थ का क्या हो जाएगा, फोर्थ का हो जाएगा ए बाई टू रूट टू। केवल दो से डिवाइड करते चलना है, और आगे भी स्क्वायर रहता, मान लीजिए इसके आगे भी रहता तो सेवेंथ रहता, तो सेवेंथ क्या हो जाता, ए बाई एट। उसी तरह आप यहाँ पर सेवेंथ होता, ठीक है, ये सेवेंथ होता, सेवेंथ होता ए बाई एट। नाइन्थ होता तो फिर वो हो जाता ए बाई सिक्सटीन। तो इस तरह करके बढ़ते रहता, और उसी तरह इसमें भी होता तो सिक्स हो जाता क्या, ए बाई फोर रूट टू। मगर यहाँ तक नहीं दिया हुआ है, हम लोग को पाँच ही स्क्वायर तक निकालना है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर देखिए ये साइड निकला है, ये क्या है, सारे स्क्वायर का साइड है। तो पहले स्क्वायर का अगर साइड ए है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फोर ए। दूसरे स्क्वायर का साइड ए बाई रूट टू है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फोर ए बाई रूट टू। तीसरे स्क्वायर का यदि साइड ए बाई टू है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, फोर ए बाई टू। चौथे स्क्वायर का फोर ए बाई टू रूट टू।
और देखिए आगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 5, ठीक है, 5 का a बाई 4 है साइड, तो देखिए 5th का a बाई 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4a बाई 4, पेरीमीटर मतलब चारों साइड का जोड़ होता है, यहाँ पर साइड जो निकालें वो एक साइड है, तो उसमें चार टोटल स्क्वायर में चार होता है, चार साइड होता है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का जोड़, और स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो चार से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से 4a हम कॉमन ले लिए, तो यन 1 + 1/√2 + 1/2 + 1/2√2 + 1/4, ये आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जो आपको थोड़ा सा पेशेंसली सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ से 4a हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर दो, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो गया, + 1/2, यहाँ पर रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, + √2/4 + 1/4। अब आप 4 LCM ले लो, ठीक है, 4 LCM ले ले तो क्या होगा, 4 + √2, देखिए बाहर में 4a है ही, ऐसा मत समझिएगा कि वो गायब हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से √2 हो गया, और यहाँ से +1 हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाहर में क्या बच गया, सिर्फ a, और अंदर में क्या हुआ, 4 + 2 = 6 + 1 = 7 और +√2, पेरीमीटर आ गया आपका, करना कुछ नहीं था। और अगर आप वैसे सॉल्व करते जैसे फिगर के अंदर फिगर, फिगर के अंदर फिगर डायगोनली, तो आपको इस चीज़ को कॉन्सेप्चुअली विजुलाइज करना था कि साइड निकालने का तरीका यही होता है कि पहला, तीसरा, पांचवा, उसके बाद सातवां, सब में सिर्फ 2 से डिवाइड करते जाना, आपका साइड निकल गया तो पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 + √2, बाहर में a हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द 5 स्क्वायर। अब देखिए एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, टोटल एरिया ऑफ ऑल द 5 स्क्वायर। तो आपको हम साइड पहले बता चुके हैं, साइड तो आप लोग को पता ही होगा, पहला का क्वेश्चन में दे रखा है ए, पहला स्क्वायर और तीसरा स्क्वायर सेम है तो इसको 2 से डिवाइड कर दिए, फिर 5वां स्क्वायर भी सेम है तो इसको फिर 2 से डिवाइड कर दिए, और देखिए सेकेंड स्क्वायर का हम लोग साइड निकाले थे a बाई रूट टू, तो सेकेंड और कौन सा सेम है, ये सेम है 4th वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, a बाई 2√2 साइड हो जाएगा। अब हम लोग को इस क्या निकालना है, एरिया निकालना है, चारों स्क्वायर का एरिया निकालना जोड़, तो स्क्वायर का एरिया बराबर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया हम लोग चालू करते हैं निकालने, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा स्क्वायर का एरिया। अब देखिए साइड का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बाई रूट टू है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू, तीसरा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई फोर, चौथा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए चौथा को यहाँ पर लिख रहे हैं ए स्क्वायर बाई, इसको प्लस में कर दीजिए, ए स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, पांचवा का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 16। ये आपको पांचों स्क्वायर का सम निकालना था बस, और कुछ नहीं करना था। यहाँ से क्या करेंगे, सरफेस एरिया देख लीजिए, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। अब देखो यहाँ से सॉल्व करने का 2 तरीका होता है, या तो आप जीपी लगा लो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, तो बहुत लोग को जीपी नहीं आता होगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, क्या होगा देखिए, डायरेक्ट सॉल्व किए तो ये क्या हो गया, 16, यहाँ से ये 16 हो गया, + 2 + 8 = 16, ठीक है, 4 मर्त में गया, 8 × 2 = 16 और ये हो गया 1, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 31 और / 16, तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा,
साउथ सरफेस, इसका पूरा टोटल एरिया देखिए, स्क्वायर का टोटल, ये टोटल एरिया हो गया, टोटल स्क्वायर का एरिया है, ये सरफेस एरिया मत समझ लीजिएगा भाई, टोटल एरिया है। टोटल एरिया क्या हो गया, 31/16 ए स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल फाइव स्क्वायर, यही पूछा हुआ था, तो 31/16 ए स्क्वायर इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ बढ़ते हैं। तो एन वन बराबर दिया हुआ है कि एक एक क्यूब है, स्मॉलर क्यूब है, एक एक्सपोज सरफेस है, एन टू बराबर दो एक्सपोज सरफेस है, एन थ्री बराबर तीन एक्सपोज्ड सरफेस है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, और हर एक क्यूब को क्या किया है, डिवाइड किया है एन पार्ट्स में, देयर आर टोटल एन क्यूब स्मॉलर, एन क्यूब स्मॉलर, ठीक है। तो एन जीरो बराबर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स विथ नो एक्सपोज सरफेस। तो नो एक्सपोज सरफेस का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू का होल क्यूब, डायरेक्ट याद कीजिए, इसमें थ्योरम और पूरा प्रूविंग करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर एक एक्सपोज सरफेस हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, और अगर दो एक्सपोज सरफेस हो तो उसका फॉर्मूला होता है 12n-2। ये तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, और देखिए इसमें आपको ये एक्चुअल में मैथ का क्वेश्चन है ही नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बस मैथ में दे दिया गया है। आप क्यूब का आर एस अग्रवाल का बुक खोलिए और वहाँ पर देखिएगा तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कि अनएक्सपोज सरफेस और एक्सपोज सरफेस का। तो वहाँ पर फिर आपको क्यूब का स्मॉलर पीस को काट के हटाने पर क्या एक्सपोज होगा, कितना फेसेस दिखता है नहीं दिखता है, वो सारा एक्सप्लेनेशन आर एस अग्रवाल के रीजनिंग के बुक में दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। अब 35 नंबर देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन क्यूब, एन क्यूब मतलब क्या था, जिसका तीन सरफेस एक्सपोज्ड हो। तो ये डायरेक्ट एसएससी में क्वेश्चन आया था कि जिसका तीन सरफेस एक्सपोज्ड हो उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू होता है, ये फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब अगर किसी भी स्मॉलर क्यूब का तीन सरफेस एक्सपोज्ड है तो उसका वैल्यू 8 होता है, ये फिक्स है, ये फार्मूला है। अगर एक सरफेस एक्सपोज्ड हो तो उसका फार्मूला है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक सरफेस एक्सपोज्ड हो, चारों का दे दिया, यदि कोई सरफेस एक्सपोज नहीं हो तो एन माइनस टू का होल क्यूब, एक सरफेस एक्सपोज्ड हो तो 6n-2 का होल स्क्वायर। देखे यहाँ पर देख रहे हो ना आप, देखते चलो, और एन टू, अगर दो सरफेस एक्सपोज्ड हो तो 12n-2, और तीन सरफेस एक्सपोज्ड हो तो वो हो गया आपको इसका वैल्यू 8 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको करते चलना था डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, ए बुलेट द गन पाउडर इज फिल्ड अप इनसाइड द मेटलिक इनक्लोजर, द मेटलिक इनक्लोजर इज मेड ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस एंड द कॉनिकल टॉप विद द बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द सिलेंडर ऑफ द कोन इज 3:2, ए सिलेंड्रिकल होल इज ड्रिल्ड थ्रू द मेटल सॉलिड विद द हाइट 2/3 ऑफ द हाइट ऑफ द टोटल सॉलिड, what should be the radius of the hole so that the volume of the hole in which the gunpowder is filled is 1/3 of the volume of the metal solid after drilling। तो देखिए इसका हम सबसे पहले एक बात आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, यहाँ पर एक चीज बताएंगे जिसको आपको फॉलो करना होगा और सॉल्व करना होगा। कहने का मतलब है एक सिलेंडर है, आप इसको ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लैंग्वेज हार्ड है। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है, दोनों का दिया हुआ है रेशियो, किस चीज़ का, हाइट का रेशियो। अगर इसका रेशियो हाइट का 3x है तो इसका रेशियो हाइट का क्या है, 2x है, ये समझ गए आप। और रेडियस क्या है, दोनों का 5 रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का ये 5 रेडियस दिया हुआ है। देखिए दोनों का बेस तो सेम है, तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा 5 और ये भी रेडियस हो गया 5। अब देखिए व्हाट शुड बी द, देखिए ए सिलेंडर इज द ड्रिल्ड थ्रू द मेटल सॉलिड, यहां पर एक सिलेंडर को ड्रिल्ड किया गया, यहां पर एक सिलेंडर को ये ड्रिल्ड किया गया, ये यहां से कट के हटाया गया और इसमें क्या किया, गन पाउडर को भरा गया, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द होल सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द होल इन विच गन पाउडर इज टू बी फिल्ड अप 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटलिक सॉलिड आफ्टर ड्रिलिंग। तो देखिए ये पूरे में जितना जिसका वॉल्यूम है उसका एक तिहाई भाग उतना ड्रिल करके इसमें गन पाउडर भरना है। तो अब आपको सब कुछ पता है, क्या है, सब कुछ आपको पता है। यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो इसका हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट दिया हुआ है
2 by 3 ऑफ H1 प्लस H2, ये है H1, H1 बराबर 2x है, H2 बराबर 3x है। तो ये हाइट क्वेश्चन में मेंशन है, ये H3 हो गया, आपको इसका हाइट पता चल गया, ठीक है। यहाँ से आप रेडियस पता करोगे और उसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, √55/8। और देखिए इसको नहीं सॉल्व होगा तो फिर तो हम सॉल्व करेंगे ही इसको, ठीक है। आपको सारा कुछ बता दिए, क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा है, हार्ड है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फार्मूला से वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये टोटल का वॉल्यूम निकाल लेना है, ये पूरे फिगर का वॉल्यूम निकालिए, वहाँ से H1 H2 पता चल जाएगा और उसके बाद सॉल्व करते चले जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलिए देखते हैं 37 क्वेश्चन नंबर। ए सेक्टर ऑफ सर्कल मेजर 90 डिग्री यूजिंग ओनली ए स्केल कंपास एंड ए पेंसिल, इज इट पॉसिबल टू स्प्लिट द सर्कल इंटू 360 इक्वल सेक्टर ऑफ वन सेंट्रल एंगल। देखिए 19 डिग्री का हम लोग बनाते चलेंगे तो 90 जा कितना होता है 361, और सर्कल में टोटल कितना डिग्री होता है 300, यहाँ पर 361 लिखिए, 19 जा 361, सर्कल में कितना होता है 360, तो ये 360 डिग्री तो बनेगा ही, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मेंशन है 360 इक्वल टू द सेक्टर ऑफ वन सेंट्रल एंगल, और जो कि 361 आ रहा है, तो वो एक जो आ रहा है वो सेंट्रल एंगल आ रहा है, तो क्वेश्चन आप सिर्फ केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सर्कल का टोटल एंगल सेंटर का क्या होता है 360, 19 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट 360 से नियरेस्ट क्या आ रहा है 361 आ रहा है 19 में 19 का, तो 360 उसमें से एंगल हो गया, एक सेंट्रल एंगल हो गया, क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, वही चीज़ हम सिद्ध करना है, तो येस ऑफकोर्स पॉसिबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सर्कुलर पेपर इज फोल्डेड अलोंग द डायमीटर, देन अगेन इट इज फोल्डेड इन टू द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट, देन इट इज कट एज शोन इन द फिगर, आफ्टर इट द पेपर वॉज रीओपेंडेड इन द ओरिजिनल फॉर्म शेप, फाइंड द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल पेपर टू डैट ऑफ द रिमेनिंग पेपर, द शेडेड पोर्सन इज कट ऑफ फ्रॉम द क्वाड्रेंट, द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ओ ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द ई सेमी सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, ब्ला 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 पूरा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में है कुछ नहीं और दुनिया भर का लैंग्वेज लिख देते हैं लोग। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब है ये है सर्कल, ठीक है, सर्कल है, इसको फोल्ड किया गया है, फोल्ड किया गया है, तो इसमें देखिए ये है आपको क्वाड्रेंट, ध्यान से देखिएगा, ये बी ए ओ यही तो है जो ये नंबर वन है, ये यहां पर है, ठीक है। यहां पर देखिए कितना सर्कल है, एक दो और तीसरा का आधा, यहां पर फिर एक दो, तो अब देखिए इसको आप जब खोलोगे तो क्या होगा, जब आप खोलो ओपन करोगे तो ये इस तरह बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस साइड में, जब देखिए आप इसको ओपन करोगे अपर साइड में ओपन करोगे तो आप इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है, उसी तरह इधर भी बन जाएगा। देखिए फोल्ड करना है, एक्चुअल में ये था, इसको मिला दीजिए, आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो फोल्डिंग पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए यही चीज था, इसको चार क्वाड्रेंट में काट के एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है और अब बोल रहा है निकालना क्या हम लोग को, द रेशियो, इस पहले रेडियस दिया हुआ है, देख लीजिए पहले फाइंड करना है रेशियो हम लोग को ओरिजिनल पेपर टू डैट ऑफ द रिमेनिंग पेपर, ये पूरे पेपर में मतलब कि ये इसको सी और डी मान लीजिए, फिगर वन और फिगर टू का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले देखिए रेडियस क्या दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए बी क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो सर्कल का 5 सेंटीमीटर हो गया, ये तो आपको पता चल गया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई और आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है, आर बराबर 5 दिया हुआ है, तो 25 पाई हो गया, इसका एरिया क्या निकल गया बड़े वाले सर्कल का 25 पाई, ठीक है।
अब देखिए छोटे वाले सेमी सर्कल जो है इसका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर हो, क्योंकि ये हाफ है, ठीक है, रेडियस ही होगा सिर्फ। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 बड़े वाले सर्कल का रेडियस था और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो छोटे स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल मतलब आप कहने का मतलब इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये जो सर्कल है छोटा छोटा ना, इसका एक का एरिया निकालेंगे हम लोग, तो उसका पाई और रेडियस कितना दिया हुआ है स्मॉलर सर्कल का, 1, तो 1 का स्क्वायर ये कितना हो गया पाई। ऐसा ऐसा कितना सर्कल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा 9 पाई। अब हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अब आपको कौन रोक सकता है रेशियो निकालने से, फाइंड द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल पेपर। तो ओरिजिनल पेपर का रेशियो क्या है, 25 पाई निकाल चुके हैं, ठीक है, एंड द पेपर डैट इज रिमेनिंग पेपर डैट ऑफ रिमेनिंग पेपर। तो जो ये सर्कल है ना इसको कट करके रिमूव किया गया है, मतलब कि ये जो फोल्ड किया इसको कैंची से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये कट कर दिया गया, ये ब्लैंक है मतलब ये देखने में खाली है पूरा। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया हमको निकालना है। तो टोटल सर्कल का एरिया कितना आएगा 25 पाई, और ये बड़े वाले सर्कल का एरिया 25 पाई है और छोटे वाले सारे सर्कल का एरिया 9 पाई है, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 16 पाई। बाकी जो ये एरिया बचा ये कितना हो गया, ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना हो गया, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये तो कैंची से काट के हटा दिया, जो ये सर्कल हम डार्क किए हैं ये कैंची से कट करके हटा दिया गया है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हटाने के बाद 9 पाई को माइनस कर देंगे तो बाकी पेपर कितना बचा 16 पाई, तो 16 पाई हो गया, तो ये क्या हो गया पाई पाई कैंसिल हो गया, तो 25/16 इसका आंसर हो गया। देखिए अब इसी क्वेश्चन में आपको एक जगह और उलझा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि आपको बड़े वाले सर्कल और जो कट करके रिमूव किए गए हैं उनके एरिया के बीच का रेशियो बताइए, तो वो हो जाता 25/9। अगर जो रिमूव किया गया है और जो पूरा एरिया, पूरे एरिया बाई रिमूव्ड एरिया 25/9, और वहीं बोलता कि जो रिमूव करने के बाद एरिया बचा है, तो रिमूव करने के बाद एरिया कितना बचा है 16 पाई और जो रिमूव किया गया तो 16/9 हो जाता। इसी में 4 क्वेश्चन बन गया, एक तो आपको बड़े सर्कल का एरिया और जो अनरिमूव्ड पोर्शन है सर्कल को, 9 सर्कल को रिमूव करने के बाद जो एरिया बचा 1, 2, 3, 4 जो लिखे हुए हैं वो, तो उसका रेशियो हो गया। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो अनरिमूव्ड है जो 16 पाई आया है और जो रिमूव्ड है मतलब 9 पाई जो सर्कल का है तो 16/9। 3 क्वेश्चन बन सकता है, तीनों हम आपको बता दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ए क्यूबिकल केक इज कट इनटू द सेवरल स्मॉल क्यूब्स ऑफ डिवाइडिंग इच एज इन 7 इक्वल पार्ट्स, द केक इज कट फ्रॉम द टॉप अलोंग द 2 डायगोनल फॉर्मिंग द प्रिज्म, सम ऑफ देम कट एंड द रेस्ट रिमेंड इनटू द क्यूबिकल शेप, ए कंप्लीट क्यूबिकल केक वॉज गिवेन टू द अडल्ट एंड द कट ऑफ पार्ट ऑफ द केक is given to the children. If all the cakes were given equally, each piece of person total, how many people can get the cake? देखिए जो पिछला क्वेश्चन हम किए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बड़ा है सोल्यूशन छोटा है। तो आप क्या करो, ट्राई करो, अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर तो हम जिंदाबाद, हम हैं ही कहाँ जा रहे हैं। तो आप इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, 448, बहुत लोग के पास हो सकता है बुक ना हो, बुक ले लीजिए आप लोग, सॉल्व करने चालू कीजिए, 448 आंसर है। इसको पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हमको पता है कि लोग सोचते होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता है, आ जाएगा ना, तो बस जो ये सॉल्व करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो वो जो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा वो पीछे का आसान क्वेश्चन तो छोड़ के आया नहीं होगा। तो आप क्वांटम कैट अगर सॉल्व कर रहे हो तो क्वांटम कैट का इतना जो इतना बड़ा बड़ा फिगर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको छोटा क्वेश्चन का फिगर सॉल्व करने में कोई आसानी नहीं होगा, एसएससी में आसानी होगा एकदम, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जब बड़े क्वेश्चन में दिमाग आपका खुलेगा तो छोटा क्वेश्चन ऑब्वियस हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसीलिए आप बड़ा क्वेश्चन बनाओ, 10 ही क्वेश्चन बनाओ, 10 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है, और 50 क्वेश्चन बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम आएगा तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा किरण का और जो भी एसएससी का बुक होगा,
आप क्वांटम कैट, अगर जो कैट के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बुक सर्वे सर्वा है, इसके सिवा कोई बुक ही नहीं पढ़ना है आपको। तो ठीक है, आप इसको बनाते रहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो एक बार आप आर एस अगल बना लीजिए, उसके बाद क्वांटम कैट बनाइए। तो क्वांटम कैट में आपको पता है कि हम लगभग ये चौथा यूनिट हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, मतलब एडवांस पार्ट टोटली ख़त्म होगा। मतलब एक एक क्वेश्चन हम किए हैं, ये कोई नहीं कह सकता है कि एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो छूटा होगा, जो हम बोले हुए हैं कि सॉल्व करा देंगे, अगर कोई क्लेम करेगा तब, अगर जो देख रहा है उसको लगता है कि उससे सॉल्व हो गया तो फिर ठीक है, अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप लोग को जो नहीं सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व होगा वो क्वेश्चन नंबर आप लोग लिख देना, हम सॉल्व कर देंगे। इस तरह हम लोग का एडवांस पार्ट अगले या उसके अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चालू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर अलजेब्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का। तो एडवांस पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म सर्वेश कुमार वर्मा का। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, सर्वेश कुमार वर्मा में अर्थमेटिक और अरुण शर्मा में एडवांस। तो अब अरुण शर्मा का एडवांस करेंगे और सर्वेश कुमार वर्मा का अर्थमेटिक। तो इस तरह करके तीन बुक है क्वांटम कैट का, तीनों बुक ख़त्म कराएंगे, 100% गारंटी रहा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों में प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए। इतना तो आप कर सकते हो कि आपका जो व्हाट्सअप ग्रुप होगा उसमें एटलीस्ट मैसेज कर दो, आगे फॉरवर्ड कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को मदद मिल सके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।